गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्सी के बारे में, जो एक बहुत बेहतर पोयम है जिसे कम्पोज किया है विलियम शेक्सपियर। तो चलिए देखते हैं मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया। तो चलिए आप लोगों को इस पोयम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। यह पोयम विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। इस नाटक के मुख्य पात्र हैं सैलाक, जो एक यहूदी साहूकार है। वह दूसरों को धन उधार देता है जिसपे वह ब्याज इकट्ठा करता है। दूसरा पात्र है एंटोनियो, जो सैलाक से धन लेता है, और एंटोनियो का मित्र है बैसेनियो, और बैसेनियो की पत्नी है पोर्सिया। जब एंटोनियो ने समय से धन वापस नहीं किया तो सैलाक ने ड्यूक के न्यायालय में मुकदमा दायर किया। एंटोनियो ने एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए थे जिसकी एक शर्त के अनुसार निश्चित समय पर धन वापस न करने पर सैलाक एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड गोश्त ले सकता था। पोर्सिया एंटोनियो के मामले में बहस करने के लिए वकील के भेष में अदालत में हाजिर हुई। उसने सैलाक से एंटोनियो पर दया दिखाने की प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना की। वह अपील एक कविता के रूप में थी जो पोर्सिया के भाषण का एक हिस्सा है। मतलब कि जो यह पोयम है, यह पोर्सिया के द्वारा दिया गया भाषण है जिसे विलियम शेक्सपियर ने एक कविता के रूप में कंपोज किया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से समझते हैं। पोर्सिया सैलाक से कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का जो क्वालिटी मतलब गुण है, इज नॉट स्टैंड। स्टैंड मतलब होता है दबाव देना। दया का जो गुण है वह दबाव देकर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, यानी कि दबाव से दया का गुण किसी के हृदय में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इट ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है गिरना, एज द जेंटल रेन, जिस प्रकार से कोमल बारिश की बूंदे फ्रॉम हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग से, अर्थात यहाँ इसका मतलब है आकाश से। कहती है कि जिस प्रकार से आकाश से बारिश की कोमल बूंदे, इट ड्राफ्ट मतलब गिरती हैं अपॉन द प्लेस बीनीथ, नीचे, नीचे मतलब कि जमीन पर। जिस प्रकार से आकाश से बारिश की कोमल बूंदे जमीन पर गिरती हैं, उसी प्रकार से स्वाभाविक रूप से जो दया होती है वह मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होती है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यह एक ट्वाइस मतलब दोहरा, ब्लेस्ड मतलब वरदान, यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हीम दैट गिव्स, यह उसको भी लाभ पहुंचाती है जो इसको गिव्स मतलब देता है, एंड हीम दैट टेक्स, और उसको भी लाभ पहुंचाती है जो इसको लेता है। कहने का मतलब यही है कि यह दोनों को लाभ पहुंचाती है, जो इसको देता है और जो इसको लेता है। दिस इज माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, यह जो है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली गुण है। दया जो है वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, अच्छे से समझिएगा। इट बिकम्स द थ्रोन्ड, थ्रोन्ड मतलब होता है सिंहासन, मोनार्क का मतलब राजा, एंड क्राउन का मतलब मुकुट। यह सिंहासन पर बैठे हुए राजा के मुकुट से भी ज्यादा सुशोभित करती है। यदि किसी राजा के पास यह गुण है तो वह उसे उसके मुकुट से भी ज्यादा सुशोभित करती है। हिज सेप्ट्रे शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, सेप्ट्रे का मतलब होता है राजदंड, सोज मतलब दिखाता है, द फोर्स मतलब ताकत को या बल को, ऑफ द टेम्पोरल पावर मतलब सांसारिक शक्ति, जो उसका राजदंड होता है वह उसके सांसारिक शक्ति को दिखाता है।
द एट्रीब्यूट टू आ एंड मजेस्टी, आ एंड मजेस्टी, आ का मतलब हो जाएगा भय एंड मजेस्टी का मतलब हो जाएगा महान शक्ति। यह राजा के भय और महान शक्ति को दिखाता है, मतलब जो राजा का राजदंड होता है वह उसके भय और महान शक्ति को दिखाता है। वेयर इन दोज सीट द ड्रीड एंड फियर ऑफ किंग्स, वेयर इन मतलब जिनमें, दूत का मतलब हो गया डज, सीट द ड्रीड, ड्रीड का मतलब हो जाएगा डर एंड फियर मतलब भय, आप किंग्स मतलब राजाओं का, जिनमें डर और राजाओं का भय होता है। आगे लिखा है बट मर्सी इज एबव दिस सेपरेट स्वे, लेकिन दया इज एबव मतलब ऊपर है, दिस मतलब यह, सेप्टेड मतलब राजदंड, स्वय का मतलब होता है शासन, मतलब ये हो जाए कि जो दया है वह राजा के राजदंड के शासन से भी ऊपर है। इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, यह इनथ्रोन्ड मतलब निवास करती है या विराजमान होती है, इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स राजाओं के हृदय में, दया जो है वह राजाओं के हृदय में निवास करती है या विराजमान होती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, इट इज एन एट्रीब्यूट, यह एक गुण है, एट्रीब्यूट यह एक गुण है टू गॉड हिमसेल्फ, खुद भगवान का, दया जो है वह खुद भगवान का एक गुण है। एंड अर्थली पावर दोथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स, एंड अर्थली पावर, अब जब सांसारिक शक्ति दोथ मतलब हो जाती है, कहने का मतलब यही है कि जब सांसारिक शक्ति ईश्वरी शक्ति हो जाती है, देन सो तब यह दिखने लगती है लाइकेस्ट गॉड, मतलब ईश्वर के समान, यानी कि तब सांसारिक शक्ति ईश्वरी शक्ति के रूप में दिखने लगती है। हुवेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, हुवेन मतलब जब, मर्सी मतलब दया, सीजन्स मतलब मिल जाती है, जस्टिस मतलब न्याय, जब दया न्याय से मिल जाती है तो राजा की जो सांसारिक शक्ति होती है वह ईश्वर की शक्ति के समान लगने लगती है।